वन कर्मियों ने बुजुर्ग से कराया उठक बैठक। चतरा जिले के प्रतापपुर में वन कर्मियों द्वारा बुजुर्ग से उठक बैठक कराने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रघुवर दास ने ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरा है, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने मामले की जाँच कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ये आदेश ट्वीट पर DDC चतरा को टैग करते हुए दिया है। सीएम ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले की DDC न केवल जांच करें बल्कि सख्त कार्रवाई करते हुए सूचित करने को कहा है। पूर्व सीएम ने उठाए सवाल, बुजुर्ग से उठक बैठक कराने के मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि माफिया जब पूरा जंगल साफ कर रहे हैं तब सरकार कहां सो रही होती है। उन्होंने आगे लिखा है कि अपने उपयोग के लिए सूखी टहनियों को ले जा रहे गरीब आदिवासियों पर इस तरह का जुल्म करना कहां तक वाजिब है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। क्या है पूरा मामला? मिली जानकारी के मुताबिक चतरा जिले के प्रतापपुर वन क्षेत्र के ननई जंगल से बुधवार को प्रखंड प्रतापपुर के स्थानीय गांव ननई के रहने वाले बुजुर्ग ग्रामीण देवव्रत यादव अपनी बहू और पोते के साथ अपने खेतों को घेरने व जलावन के लिए कुछ सूखी टहनियाँ और झाड़ियाँ लेकर जा रहे थे। उन्हें इन चीज़ों को ले जाते हुए प्रतापपुर के वन कर्मी विवेक कुमार व कृष्ण कुमार राम ने पकड़ लिया। इसके बाद पत्नी और पोते के सामने बुजुर्ग को उठक बैठक करने को कहा। वहीं भविष्य में जंगल नहीं काटने की कड़ी चेतावनी देते हुए बुजुर्ग दंपति को छोड़ा। ग्रामीणों का आरोप, वन कर्मी करा रहे तस्करी। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी है। उनका कहना है कि वन कर्मी आए दिन इस कुकृत करते हैं। ग्रामीणों की माने तो जंगलों से अवैध तरीके से लकड़ी काटकर बिहार से सटे इलाके में तस्करी की जाती है। ये तस्करी वन कर्मियों की मिली भगत से चल रही है। इसी तरह की तस्करी के मामले में कुछ ही दिन पहले 3 वन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से निचले स्तर के वन कर्मी इसका गुस्सा जलावन के लिए झाड़ियां और सूखी टहनियां लेकर जा रहे ग्रामीणों पर उतार रहे हैं।